नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं हूं शिवांगी। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों का। दल द्वारा आज बीके चौक पर फरीदाबाद के विभाग अध्यक्ष प्रेमचंद गोयल के नेतृत्व में बांग्लादेश का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फरीदाबाद विभाग संगठन मंत्री साहिल वालिया ने कहा कि अकेले दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश के 22 से ज्यादा जिलों में हिंसा की घटनाएं घट चुकी हैं। हिंदुओं के 150 से ज्यादा दुर्गा पूजा पंडाल अपवित्र कर तहस नहस कर दिए गए। चाहे नोआखली का इस्कॉन मंदिर हो या ढाका का ढाकेश्वरी मंदिर, बंदरवन का लामा हरि मंदिर हो या चांदपुर का श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम, चौमुहानी का राम ठाकुर आश्रम हो या चौक बाजार का करुणामयी काली मंदिर और या फिर कुआरी ग्राम के 7 अन्य मंदिर, ये सूची बड़ी लंबी है। कितने ही घरों, दुकानों व धर्म स्थलों में हिंसा, आगजनी व लूटपाट का नंगा नाच हुआ है। कुछ कहा नहीं जा सकता, 10-12 हिंदू अपनी जान गंवा चुके हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई हैं, हिंदुओं को मारा पीटा गया, माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा। इतना सब होने के पश्चात भी बांग्लादेश की सरकार आंख बंद करके बैठी है। इन विभत्स कांडों को देखकर हिंदुओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बांग्लादेश सरकार से मांग करती है कि हिंदुओं पर हो रहे आक्रमणों तथा अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाएं तथा भारत सरकार से निवेदन करती है वह बांग्लादेश से इन घटनाओं को रोकने हेतु दबाव बनाए। इस दौरान उपस्थित रहे ललित गोसाई, गुलशन सिंगल, राजकुमार मदान, महिपाल सोलंकी, जयसिंह नेगी, आशा भाटिया, जीत वशिष्ठ, पंकज जैन, अमित भारद्वाज, नरेश फौजी, गोपाल गुप्ता, दीपक शर्मा, विकास वर्मा, कपिल सिंह, संदीप पहलवान, जितेंद्र विशाल, ललित भड़ाना, पीयूष शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिंदुस्तान से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ, आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की जय। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हम हिंदुओं से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ, दुनिया भर के हिंदुओं एक हो, एक हो। बांग्लादेश में जो नंगा डांस किया गया हिंदू देवी देवताओं की, अभी आप नवरात्रि चल रहे, पूजा चल रही थी, हाँ, तो उनकी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया, बहन बेटी के साथ बलात्कार किए, मंदिर तोड़े गए, तो ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा कि जिस तरह से भारतवर्ष, भारत माँ की चारों तरफ विश्व में जय जयकार हो रही है, जो हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है, तो हिंदुओं का मनोबल बड़ा ऊंचा हो रहा है, उसको गिराने के लिए ये जो षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, आतंकवादी हैं, तो वो चाहते हैं कि हिंदुओं का मनोबल गिरा रहे, उन्हें ये महसूस कराया जाए कि ये भारत में क्या, पूरे विश्व में आपके साथ हम कुछ भी करें, चाहे कश्मीर में बहन मार दी गई, पीछे हमने यहाँ प्रदर्शन किया, कई भाई मार दिए गए, चुन चुन के आईडी पूछ गए, तो वो सीधा सीधा उनका मैसेज है कि आपको कोई नहीं बचा सकता, आप मोदी पे घमंड ना करें, आप अमित शाह पे घमंड ना करें, भारत सरकार नहीं बचा सकती आपको, लेकिन हमें पता है कि आज भारत सरकार बढ़िया काम कर रही है, और मैंने एक नारा दिया कि दुनिया भर के हिंदू एक हो, तो जब तक दुनिया भर के हिंदू एक नहीं होंगे, हमें आज नरेंद्र मोदी जी को हम यहाँ से कहने आए हैं कि बांग्लादेश सरकार पे दबाव बनाया जाए, जिस तरह भारतवर्ष में किसी भी धर्म का व्यक्ति अपनी पूजा पाठ, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद में जा सकता है, तो हिंदू जहाँ भी रह रहे हैं वो अपनी मर्जी से अपने पूजा पाठ कर सकें, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, और जो क्षेत्रवाद पूर्व की सरकारों ने हमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ऊंच नीच में बांट दिया, ये बंगाली है, मद्रासी है, सिख है, मुस्लिम है, ये है, वो है, नाई है, धोबी है, मूर्ती है, इनसे हमें एक निकलना पड़ेगा, वो सब हम भाई हैं, कोई दलित नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हमें हिंदुओं को एक होने की बहुत जरूरत है इस समय। पहले आपने पाकिस्तान का पुतला फूका, अभी बांग्लादेश का पुतला फूका है, तो आखिर आप कितने पुतले फूकेंगे आप प्रेजेंट में? देखो जो जैसा इतनी ज्यादा नहीं, जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे ऊपर हमले होंगे, जो करेगा उसका पुतला फूका जाएगा,
क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आज चौथा स्तंभ है, हम क्या कर सकते हैं, सरकारें काम करती हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये विश्व हिंदू परिषद है, इसके नाम के अनुरूप पूरे विश्व में हिंदू का संगठन है, हम कम उतरते हैं सड़कों पर क्योंकि हम किसी का यातायात बाधित नहीं करना चाहते, ये हमारे भाई बहन काम धंधों पर जा रहे हैं, हम आप देख रहे हैं एक तरफ खड़े हो गए अपना काम कर रहे हैं, पुतला फूका है, हम रोड रोकने में जनता को तंग करने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जब तक बच्चा रोएगा नहीं माँ दूध नहीं देगी, इसलिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं मोदी सरकार को और पूरे दुनिया भर के हिंदुओं को कि एक हो जाओ, समय आ गया।